हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिट टेक्नोलॉजी। और सिट टेक्नोलॉजी से तीन से चार या कह सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चंस तो पक्के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं या फार्मर की इनकम डबलिंग करना है तो उसमें कहीं ना कहीं सीट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एक सीट का वाइबल होना, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा खासा होना है ना, और एक उसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड होता क्या है, ठीक है। सीड को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है एग्रोनॉमिकली, एक होता है बोटनिकली। क्लियर है? वैसे तो सीड अगर डिफाइन करना है तो बोटनिकली ही डिफाइन किया जाता है, बट जो एग्रोनॉमिकली या एग्रोनॉमिक साइंटिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो सीड को डिफाइन करते हैं अपने तरीके से। तो एग्रोनॉमिकली अगर सीड को डिफाइन करें तो क्या है कि प्लांट का कोई भी पार्ट है ना, अगर हमारी क्रॉप है या कोई प्लांट है, उसका कोई भी पार्ट जिसका यूज़ हम नई क्रॉप ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, उस पार्ट को सीड कहा जाता है। देखिए, समझिए, सीड क्या बोला उन्होंने, सीड क्या है अगर एग्रोनॉमिकली बात करें दो तरीके से। एग्रोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सीड क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या है? पार्ट ऑफ दी पार्ट ऑफ द प्लांट या पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम विच ए न्यू क्रॉप विल ग्रो। ठीक है, मतलब प्लांट का वह कोई भी पार्ट, जैसे हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी क्रॉप का ग्रो करने के लिए सीड यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टेम यूज़ करते हैं, लीफ यूज़ करते हैं, ठीक है, बड यूज़ करते हैं। तो एग्रोनॉमिकली उन्होंने जितने भी पार्ट जिससे हम एक नई क्रॉप ग्रो कर सकते हैं उसको उन्होंने सीड कहा है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमिकली। लेकिन अगर हम सीड साइंस के बात के अकॉर्डिंग बात करें या बोटनिकली बात करें सीड क्या है, तो बोटनिकली अगर हम बात करें तो सीड क्या है, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, एक इंडोस्पर्म होता है, और जो इंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो को क्या देता है, फूड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट देता है, नोरिस रखता है उसको। और सीड के ऊपर एक सीड कोट होता है, ताकि सीड कोट जो है सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि उसमें कोई फिजिकल इंजुरी ना लगे। क्लियर है? तो उसको हम बोटनिकली सीड कह देते हैं। तो सीड को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, तो बोटनिकली देखते हैं सीड क्या है। देखो, बोटनिकली सीड क्या है, सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्या है? सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो। क्या होगा? एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म एंड सीड कोट, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इंडोस्पर्म जो है, ये इंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो को क्या करता है, फूड सप्लाई करता है, मतलब उसको न्यूट्रिएंट देता है ताकि वो एक लाइव बना रहे, उसको क्या मिलता रहे, न्यूट्रिएंट मिलता रहे। तो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है ना, जिसके अंदर एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, सीड कोट है, उसको हमने क्या बोला, बोटनिकली सीड बोला। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ईग सेल होता है, जो एक सेल होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एक सेल जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर? और जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। क्लियर है? और ये सीड जो होता है, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो भी होगा, एंडोस्पर्म भी होगा और सीड कोट भी होता है। सीड कोट क्या है, ये अभी सारे टर्म्स हम, मैं सीड का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा और सारे उसके अंदर जो उसके जो पार्ट्स है वो भी हम
बात करेंगे सारी चीज़ें। उसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, रेडिकल होता है, प्लूमूल होता है, सीट कोट होता है जिसको टेस्टा भी कहा जाता है, एपिकुटाइल होता है, हाइपोकुटाइल होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये समझ में आया ना सीट क्या है? एग्रोनॉमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन नॉलेज होना चाहिए। देन बोटनिकली क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीट कोट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल जो क्या होता है एम्ब्रियो में, ओवरी फ्रूट में, और ओव्यूल जो है वो सीट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, पहले तो हम यहाँ पे इसके पार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है? सीट के पार्ट को समझ लेते हैं। कुछ एक डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा पर ठीक है। समझ लीजिए, डायग्राम में बता दूंगा। इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सीट कोट, ठीक है? रेडिकल, क्या होता है? रेडिकल, प्लूमूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और कोटिलिडॉन। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं सीट के। तो मैं आपको डायग्राम में पूरा दिखाता हूँ किस तरीके से सारे पार्ट है और इन सारे पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो क्लियरली आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखो, क्लियर है? ये सीट है, सीट का एक कोटिलिडॉन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, वन मिनट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला जो पार्ट है जहाँ से रूट्स निकल रही है, ये हमारा क्या है? ये है रेडिकल। रेडिकल मतलब यहाँ से क्या निकलेगी? रूट्स, यहाँ से रूट की ग्रोथ होगी, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये जो है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सीट के अंदर साइज बना, ये है प्लूमूल। प्लूमूल मतलब यहाँ से क्या निकलेगी? शूट। शूट मतलब स्टेम यहाँ से निकलेगा और क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। ये ऊपरी भाग जो आपको दिख रहा है, ये कवर, आउटर कवर, उसको बोलते हैं सीट कोट या टेस्टा, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा है क्या है? कोटिलिडॉन है। कोटिलिडॉन मतलब दो तरह के कोटिलिडॉन होता है, एक मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है। डाइकोट मतलब जिसमें दो कोटिलिडॉन्स आपको दिखेंगे जब प्लांट बनता है, जब सीड जर्मिनेट होता है, तो इस तरीके से दो पार्ट खुलते हैं, उसके बाद से लीफ निकलना शुरू होती है, वो भी बताऊँगा आगे। अब यहाँ पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है उसको समझने के लिए फिर से डायग्राम पे आते हैं। क्लियर? अभी मैंने क्या बताया आपको, ये ठीक है, ये यहाँ पे जो हिस्सा बना हुआ रहता है, यहाँ से निकलता अपना, ये है हमारा रेडिकल। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ये रेडिकल है। और यहाँ से क्या निकलेगी? शूट निकलेगी। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? प्लूमूल है। इससे क्या निकलेगी? शूट। और इससे क्या निकलेगी? बन रही है रूट। क्लियर? ये जो आउटर कवर आपको दिख रहा है, ये आउटर कवर क्या है? ये आउटर कवर क्या है? ये है सीड कोट। क्या है ये? सीड कोट है। सीड कोट मतलब ऊपरी इच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं छिलका, जो क्या करता है? फिजिकल इंजुरी से या किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो हम बारिश से बचने के लिए क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं। वैसे सीट के ऊपर एक छिलका होता है ना, मतलब बोल सकते हैं टिश्यू अराउंड द सीट, सीट के चारों ओर टिश्यूज़ रहते हैं, छिलका रहता है, वो क्या करता है? सीट को फिजिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, ये कोटिलिडॉन्स क्या होता है? ये जो पूरा है, दो कोटिलिडॉन होते हैं, इसको पूरा हम क्या बोलते हैं? कोटिलिडॉन्स बोलते हैं, ठीक है, बीच वाला हिस्सा। अब बचा क्या है यहाँ पे आपका? एपिकोटाइल और हाइपिकोटाइल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझिए, ठीक है, फिर से देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये तो है हमारा सीड,
सीड जब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज में जब आता है तो यहाँ से क्या निकलने लगती है, शूट और रेडिकल। क्लियर है? ये क्या है, रेडिकल मतलब यहाँ से निकलेगी रूट जिसको हमने रेडिकल बोला, और यहाँ से निकलेगी शूट जिसको हमने क्या बोला, प्लूमूल बोला। ठीक, ये क्या है, सीड कोट। सीड कोट जब ब्रेक होगा, सीड कोट टूटेगा तो क्या निकलेगा, कोटिलीडॉन्स। क्या बनेगा, कोटिलीडॉन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक इस तरीके से। अब उसके बाद होता क्या है कि जब ये कोटिलीडॉन्स ब्रेक होता है, ठीक है, मतलब ये जब ये रूट्स जब डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ये जब रूट डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे ये कोटिलीडॉन्स है। मैं एपीजीएल ले लेता हूँ, तो ये जो कोटिलीडॉन्स है इस तरीके से निकलेंगे, और ये कोटिलीडॉन्स के ऊपर से क्या निकलना शुरू हो जाती है, कोटिलीडॉन के ऊपर से लीफ निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से समझना, लीफ निकलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एपिकोटाइल क्या होता है, इस कोटिलीडॉन के जस्ट नीचे वाला पार्ट, कोटिलीडॉन के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसको क्या बोला जाता है, हाइपोकोटाइल। इस कोटिलीडॉन, ये क्या है, कोटिलीडॉन है, कोटिलीडॉन। कोटिलीडॉन के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल, और कोटिलीडॉन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। ये याद रखना, मतलब बिलो द कोटिलीडाइन जो एम्ब्रियोनियल एम्ब्रोनल एक्सिल होता है, बिलो द कोटिलीडाइन जो एम्ब्रियोनल एक्सिल होता है, मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ से रेडिकल्स निकलना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और जो कोटिलीडॉन होता है उसके जस्ट अबव एम्ब्रियोनल एक्सिल होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिकोटाइल बोला जाता है। तो सीड, सीड से फिर आगे बढ़ते हैं तो रूट आता है, रूट से शूट बनती है, फिर रूट एंड शूट जब आगे डेवलप होता है, जब कोटिलीडॉन बनना शुरू हो जाता है, ओपन होना शुरू हो जाता है, तो उसके जो नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है, उसका ऊपर वाला पार्ट जो है एपिकोटाइल कहलाता है। क्लियर है? एक आपने ये हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये क्या बोलता है, आपने पढ़ा होगा ईपीजीएल, और एक होता है हाइपोजीएल। ये जर्मिनेशन के दो पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ईपीजीएल हाइपोजीएल जर्मिनेशन। देखो यहाँ से ये, चलो एक डायग्राम तो एक और बना देता हूँ। देखें होता क्या है, जब यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, सोइल। जब ये कोटिलीडॉन जो है, ये कोटिलीडॉन जो है सरफेस के बाहर आके इस सोइल से, इस सोइल सरफेस पे बाहर आके क्या करते हैं, लीफ निकालते हैं। ठीक है, सोइल के ऊपर आ गए हैं, ऊपर ऊपर आने के बाद लीफ निकल रही है, उसको बोलते हैं हम ईपीजीएल, याद रखना। जब कोटिलीडॉन जर्मिनेशन जब होता है और कोटिलीडॉन जमीन के बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद जब लीफ निकलना शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं एपीजीएल। और हाइपोजीएल का क्या मतलब हो जाएगा, हाइपोजीएल का मतलब है कि यहीं पे लीफ निकलना शुरू हो जाएगी। ये जो है इस कोटिलीडॉन से क्या होगा, लीफ निकलना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये लीफ के साथ ही क्या आएगा, जमीन के बाहर, सोइल के बाहर आएगा। मतलब यहाँ पर लीफ जो है अंदर ही डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोजीएल। क्लियर है? कोटिलीडॉन बाहर आएगा, कोटिलीडॉन बाहर आने, जैसे आपने सोयाबीन क्रॉप देखी होगी, सोयाबीन क्रॉप में जब जब जर्मिनेशन होता है तो पहले कोटिलीडॉन बाहर आते हैं, कोटिलीडॉन बाहर आते हैं उसके बाद फिर लीफ निकलना शुरू होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एपीजीएल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजीएल जर्मिनेशन जैसे आप वीट क्रॉप में देखते हो, गेहूं में, है ना, पहले क्या होता है, लीफ अंदर से ही आना शुरू होती है, अंदर से ही लीफ निकलना शुरू होती है, मतलब उसमें लीफ जो है, कोटिलीडॉन जो है अंदर ही डेवलप हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोजीएल। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया रेडिकल क्या होता है, प्लूमूल क्या होता है, शूट क्या होता है, सीड कोट क्या होता है, एपीजीएल क्या होता है, एपीजीएल क्या होता है, सारी चीज़ यहाँ पे हमने समझी। अब आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा कि सीड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सीड देखो दो चीज़ें, अगर आप लैब में जर्मिनेशन चेक करते हो, ठीक है, अगर आप लैब में जर्मिनेशन चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, लेप का जो जर्मिनेशन क्या होगा, लेप का जो जर्मिनेशन है वो हाई होगा एज़ कम्पेयर टू फील्ड, है ना।
जैसे मान लो आपने 100 दाने लिए, है ना, 100 दाने आपने लैब के अंदर टेस्ट किए, 100 दाने लैब के अंदर आपने टेस्ट किए, तो 90% जर्मिनेशन लैब के अंदर हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल ये। अब यही 100 दाने सेम उसी वेराइटी के उसी क्रॉप के 100 दाने जब आप फील्ड में लोगे तो 80 to 85% जर्मिनेशन होगा, 5% लॉस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं जर्मिनेशन को, अफेक्ट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि बात करें तो कैपेसिटी ऑफ सीट टू जर्मिनेशन, सीट की खुद की कैपेसिटी होती है जर्मिनेशन की, वो काम करता है। देन मॉइस्चर, सोइल के अंदर कितना मॉइस्चर है वो फैक्टर्स, देन टेम्परेचर कितना है वो फैक्टर्स काम करेगा, और देन एयर या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई कितनी हो रही है सोइल के अंदर, एरेशन कितना हो रहा है, उस बेसिस पे जो है जर्मिनेशन अफेक्ट करता है सोइल के अंदर, फील्ड के अंदर एज़ कम्पेयर टू लैब के अंदर। इसलिए लैब के अंदर जर्मिनेशन अच्छा खासा होता है जब हम टेस्ट करते हैं, लेकिन फील्ड के अंदर कुछ कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है, सीड वर्सेस ग्रेन। हमने बोला एक सीड होता है और एक ग्रेन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, या ग्रेन और सीड है तो दोनों एक ही चीज़, बट अलग अलग कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो समझिए सीड वर्सेस ग्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सीड क्या होता है, सीड के अंदर क्या होना चाहिए, वाइबिलिटी होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशंस। वाइबल मतलब इसमें कैपेसिटी टू जर्मिनेट, इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए जर्मिनेट होने की, तभी हम उसको सीड बोलेंगे। वाइबल का मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए जर्मिनेशन होने की। यहाँ पे नो नीड, इसके अंदर वाइबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ये जर्मिनेट नहीं भी होगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेन हम कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमारे खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोने के लिए या उगाने के लिए यूज़ नहीं करते। क्लियर है? दूसरी चीज़ यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, जो सीड स्टैंडर्ड है मिनिमम सीड स्टैंडर्ड जो है वो होने चाहिए यहाँ पे। सीड स्टैंडर्ड्स के जो नॉर्म्स होते हैं या सीड स्टैंडर्ड जो है मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे सीड स्टैंडर्ड या जो मिनिमम सीड स्टैंडर्ड या सीड लॉ है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम सीड को ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किससे, पेस्टिसाइड से, फंजीसाइड से। क्यों करते हैं? फॉर प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ स्टोर पेस्ट एंड फंगी। ठीक है, कुछ फंगी या स्टोर पेस्ट होते हैं उनसे बचने के लिए हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड या करना ही नहीं चाहिए। अगर हम ग्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होगा, ये हमें हार्म करेगा, क्योंकि हम ग्रेन का यूज़ करते हैं अपने कंजप्शन के लिए, खाने के लिए। अगर हम उसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं सीड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या फंजिसाइड का, तो हमें वो किल कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम इसका नहीं करते हैं। ठीक, फिर इसको जब हम स्टोर करते हैं, ड्यूरिंग द स्टोरेज इसका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पायरेशन या जो फिजियोलॉजी कल प्रोसेस है वो लो रखते हैं, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो लो रखी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन रेट या फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस को लो रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको हम कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके की कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम सीड और ग्रेन को अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस सीड का सर्टिफिकेशन होता है, ग्रेन का सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर,
आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले कि सीड क्या होता है, ग्रेन क्या होता है, तो पता होना चाहिए। सीड जो होता है वो ये सारी कंडीशन से होकर गुजरता है। ग्रेन में ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको खाने के पर्पज़ से या कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। एक अच्छा सीड के लिए क्या मतलब, एक अच्छी क्वालिटी का सीड होने के लिए क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हायर जेनेटिक प्यूरिटी। उसके अंदर जेनेटिक प्यूरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जेनेटिक प्यूरिटी क्या होता है, नहीं बोला कि जेनेटिक प्यूरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो जेनेटिक प्यूरिटी होता क्या है, जेनेटिक प्यूरिटी का मतलब क्या है, जेनेटिक प्यूरिटी का मतलब है कि सीड जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सेम वेराइटी सीड आर अदर क्रॉप सीड। समझ में आ रहा है, जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है कि मान लो कोई किसी वेराइटी की क्रॉप हमने ग्रो की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे मान लिया कि ग्राम की एक वेराइटी है गौरव, ठीक है, इसको हमने ग्रो किया, ठीक है, इसको हमने क्या किया यहाँ पे ग्रो किया। इस ग्रो के अंदर ग्राम की कोई दूसरी वेराइटी जैसे मान लो राधे, ये दूसरी वेराइटी, इसके सीड इसके अंदर नहीं होने चाहिए, इसके सीड इसके अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए। मतलब ये गौरव जो है सेम वेराइटी क्रॉप वे सेम वेराइटी सीड से फ्री होना चाहिए। या फिर मान लो कोई दूसरी क्रॉप है वीट, वीट के सीड इसके अंदर अदर क्वालिटी के वीट के सीड भी क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सीड है जिसको हम सोइंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो फ्री होना चाहिए बिल्कुल, उसके अंदर क्या उसी क्रॉप की दूसरी वेराइटी के सीड नहीं होना चाहिए या कोई और क्रॉप के सीड इसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी जो है, जेनेटिक प्योरिटी जो क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन 0.1% जो है क्या बोल सकते हैं, कंसिडरेबल है, जेनेटिक इम्प्योरिटी बोल सकता हूँ, जेनेटिक इम्प्योरिटी कंसिडरेबल है 0.1% तक। क्लियर। अब जैसे यहाँ कुछ बात कर लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस सीड है, हम बाकी पढ़ेंगे है ना क्लासेस में, तो ये एक न्यूक्लियस सीड होता है, इसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी 100% होनी चाहिए। ब्रीडर सीड होता है, इसके अंदर भी जेनेटिक प्योरिटी 100% होनी चाहिए। एक फाउंडेशन सीड होता है, फाउंडेशन सीड में 99.9% क्या होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। आगे इसको हम क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैटेगरीज ऑफ सीड क्या है, न्यूक्लियस, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। तो ये हाई जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, सीड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सेम वेराइटी के सेम क्रॉप वेराइटी से या अदर क्रॉप का कोई उसके अंदर सीड नहीं होनी चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी 100% होनी चाहिए, 0.1% तक कंसिडरेबल है। क्लियर है। तो ये पहली चीज़ हो गई, पहला कैरेक्टर हो गया, ये होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो हायर फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी का क्या मतलब है, फिजिकल प्योरिटी का मतलब है सीड जो है फ्री फ्रॉम ग्रेवल्स, स्टोन एंड ब्रोकन सीड। मतलब यहाँ पे सीड जो है जैसे मान लो हम हार्वेस्ट करके जब क्रॉप को लेके आते हैं, हार्वेस्ट करके लेके आते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत होती है, इनर्ट मटेरियल जैसे हम बोल सकते हैं, उसके अंदर कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, डंठल भी होते हैं उसी क्रॉप के, ठीक है, टूटे हुए दाने भी होते हैं, ब्रोकन सीड भी होते हैं। तो वो हम क्या बोल सकते हैं उसको कि ये जो सीड है वो फिजिकल इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है। तो फिजिकल प्योरिटीज़ कब होगी, उसके अंदर ना तो ग्रेवल्स कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर टूटे हुए दाने नहीं होना चाहिए, उसको हम फिजिकल प्योरिटी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्रॉप में जो फिजिकल
प्योरिटीज़ होती है वो 98% तक रखी जाती है, 98% तक रखी जाती है। 2% इनर्ट मटेरियल मतलब कि ग्रेवल स्टोन्स और ब्रोकन सीट हो सकते हैं। अब ये जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती है, जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती है, इसको डोकेज कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? डोकेज कहा जाता है। मतलब फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ में क्या है? ग्रेवल स्टोन्स, ब्रोकन सीट, ये जो होते हैं ये फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डोकेज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? डोकेज कहा जाता है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द क्रॉप में 98% तक फिजिकल प्योरिटीज़ होनी चाहिए। नाउ हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट। सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट का क्या मतलब है कि ऐसा मिनिमम या टेम्परेचर जहाँ पर हम उसको सेफली स्टोर कर सके, किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो उसके अंदर। क्लियर है? यहाँ पे देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टोर करना है तो मॉइस्चर कितना रखना है। अगर हमें शॉर्ट टर्म स्टोर करना है तो मॉइस्चर कितना रखेंगे। थर्ड है, सीरियल क्रॉप्स में मॉइस्चर परसेंटेज कितना रखते हैं, पल्सेस के अंदर कितना रखते हैं, और ऑयल सीड के अंदर कितना रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ये सीड टेक की ही बात नहीं है, ये जनरल क्वेश्चंस भी है, जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट भी है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 10 से 13% यहाँ पे आपको मॉइस्चर रखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात करोगे आप तो 6 से 8% तक यहाँ पे मॉइस्चर आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? सीरियल्स की बात करो तो 10 से 12% तक मॉइस्चर रखते हैं, पल्सेस में 8 से 10% तक मॉइस्चर रखते हैं, और ऑल सीट में 6 से 8% तक मॉइस्चर रखा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है? लॉन्ग टर्म में तो 8 से 13% रखो, शॉर्ट टर्म में तो 6 से 8%, सीरियल्स के लिए 10 से 12%, पल्सेस के लिए 8 से 10, और ऑल सीट जनरली यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 सीरियल, पल्सेस और ऑल सीट में सेफ मॉइस्चर मतलब सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो है फोर्थ की अगर हम बात करें क्वालिटी कैरेक्टर की, तो क्या होना चाहिए? सीड फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल वीड, ऑब्जेक्शनेबल वीड से फ्री होना चाहिए। अब ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या हो गया? मान लो ये हमारे क्या है, क्रॉप है, ये क्रॉप के क्या है यहाँ पे, सीड। ठीक है, और इसके अंदर एक कुछ ऐसे वीड होते हैं जिनके सीड अगर इसके अंदर मिक्स हो जाए, जिनके सीड अगर इसके अंदर मिक्स हो गए तो उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। क्या आ जाएगा यहाँ? डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड। क्लियर है? जब मेन क्रॉप है हमारी, उस क्रॉप के अंदर ऐसे वीड आके मिल जाए, मिक्स हो जाए वीड के सीड, ठीक है, वीड के क्या सीड, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऑब्जेक्शनेबल वीड कहते हैं। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि उनके जो सीड के कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रॉप के सीड से बिल्कुल मिलते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है उसको अलग करने में, तो उसको हम ऑब्जेक्शनेबल वीड बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्या है, जैसे वीट क्रॉप के अंदर लगता है, वीट क्रॉप के अंदर ऑब्जेक्शनेबल वीट कौन सा है? कॉर्नवॉलवुलस आरवेंसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिरन खुरी कहा जाता है। अगर हम राइस की बात करें तो राइस के अंदर वाइल्ड राइस, थर्ड मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड के अंदर क्या है, आर्चिमोन मैक्सिकाना, आर्चिमोन मैक्सिकाना मतलब सत्यानासी या मैक्सिकन पोपी जिसको बोलते हैं।
ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे बरसीम के अंदर चिकोरी लगता है ना, बरसीम के अंदर चिकोरी, चिकोरोमिंटाइबस, और हो गया जैसे वाइल्ड ओट, ओट के अंदर वाइल्ड ओट लगता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है जिनको हम मेन क्रॉप से अलग नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टीज आती, तो उससे ये फ्री होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फ्री फ्रॉम डेजिग्नेटेड डिजीज, डेजिग्नेटेड डिजीज से फ्री होना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, व्हीट का जो लूज स्मट है ये क्या है, ये कौन सी डिजीज है, एक तरह की ये इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है, इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है ये जो है, इस तरीके की जो डिजीज होती हैं उससे हमारा सीड जो है फ्री होना चाहिए, क्योंकि इंटरनली सीड बॉर्न है, पता नहीं चलेगा, इसमें क्या होता है, एक पाउडरी मास जो है वो निकलना शुरू हो जाता है ब्लैक कलर का, तो उससे ये फ्री होना चाहिए। और भी देख लीजिए कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, हाई विग्योर्स होना चाहिए, हाई विग्योर्स का मतलब उस सीड की हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें रैपिड जर्मिनेशन कैपेसिटीज होनी चाहिए, है ना। और बोल कर सकते हैं उसका सीड का जो है शेप, साइज और कलर जो है वो गुड होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। देन और हम बात करें तो क्या होनी चाहिए, हाई मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, हाई मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो एक अच्छे सीड की या गुड क्वालिटी सीड के लिए ये कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, क्लियर है। तो ये कैरेक्टर्स की बात हो गई। नाउ हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा टाइप ऑफ सीड के बारे में, टाइप ऑफ सीड में जैसे बात करता हूँ, सबसे पहले बेस्ड ऑन कोटिलीडॉन, बेस्ड ऑन कोटिलीडॉन, ठीक है। बेस्ड ऑन कोटिलीडॉन में यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले आता है मोनोकोट, क्या मोनोकोट, मोनोकोट का क्या मतलब है, मोनोकोट का मतलब है वो सीड जिसके अंदर एक ही कोटिलीडॉन होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर केवल एक ही क्या है, वन कोटिलीडॉन है, वन कोटिलीडॉन, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एम्ब्रियो तो होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म भी होगा और सीड कॉर्ड भी होगा, ठीक है, बट उसके अंदर कोटिलीडॉन एक ही होगा। एग्जांपल क्या है मोनोकोट्स के, एग्जांपल है सीरियल्स और ग्रासेस, सीरियल और ग्रासेस एग्जांपल है, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, ये सारे मोनोकोट है। मतलब मैं इसका ट्रिक आपको बता सकता हूँ, जैसे मोनोकोट्स का मतलब, जो डाइकोट्स का क्या मतलब है, डाइकोट जिसको हम तोड़े तो दो बराबर भागों में टूट जाए एकदम परफेक्टली, अगर आप गेहूं को तोड़ोगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, वो टूटता है, ब्रोकन होता है, ठीक है, लेकिन जिसको हम किसी पर्पज़ के लिए तोड़ते हैं वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। हम गेहूं को किसी पर्पज़ के लिए नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, हम मेज को किसी पर्पज़ के लिए नहीं तोड़ते कि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, लेकिन जैसे हम बात करें ग्राम की, ग्राम को जब हम तोड़ते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दाल बोल देते हैं, पल्सेस बोल देते हैं। अरहर को हम दो बराबर भागों में तोड़ देते हैं, पी को हम दो बराबर भागों में तोड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेस, दाल कहते हैं। मूंगफली को आप दो बराबर भागों में तोड़ोगे तो टूट जाएगा, तो वो डाइकोट होता है, तो वही याद रखने का तरीका। दूसरा है डाइकोट, डाइकोट का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होंगे, दो कोटिलीडान होंगे, क्या होंगे, दो कोटिलीडान, किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा ना, जब यहाँ सीड जर्मिनेशन होता है तो ये दो कोटिलीडॉन्स पहले निकलते हैं और उसके बाद से यहाँ से लीफ निकलना शुरू होती है, दो कोटिलीडॉन्स होते हैं, जैसा मैंने अभी डायग्राम में बताया था। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगी, पल्सेस, जितनी भी पल्सेस हैं सारी क्या है, डाइकोट है, जिसके अंदर दो कोटिलीडॉन होते हैं, मतलब उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, अपना ग्राउंड नट हो गया, अरहर हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है। सेकेंड बात करते हैं बेस्ड ऑन लाइट, लाइट के बेसिस पे सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें तो वो है पॉजिटिव फोटो ब्लास्टिक, पॉजिटिव फोटो ब्लास्टिक, पॉजिटिव फोटो ब्लास्टिक का क्या मतलब है,
मतलब है जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेशन होगा, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड। ठीक है, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड मतलब जब लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेशन होगा। एग्जांपल ले लो अच्छा खासा, तो टोबेको, टोबेको जो है लाइट की प्रेजेंस में उसमें जर्मिनेशन अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड है नेगेटिव फोटो प्लास्टिक सीट। नेगेटिव फोटो प्लास्टिक का क्या मतलब है, यहाँ क्या होगा, जर्मिनेट इन दी अब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट की अब्सेंस में मतलब डार्क में ग्रो होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ओनियन। ओनियन जो है लाइट की अब्सेंस में उसमें जर्मिनेशन अच्छा खासा होता है, मतलब डार्क कंडीशन में, नाइट में उसमें जो है जर्मिनेशन अच्छा खासा होता है। एक थर्ड है, थर्ड में है नॉन फोटोब्लास्टिक। नॉन फोटोब्लास्टिक का क्या मतलब है, बोथ कंडीशन में जर्मिनेट इन बोथ सिचुएशन और कंडीशन, दोनों कंडीशन में जर्मिनेट हो जाता है, मतलब आइदर लाइट और डार्क दोनों कंडीशन में। तो हमारी मोस्ट ऑफ दी जो क्रॉप हैं, मींस मोस्ट ऑफ क्रॉप जो है वो क्या है, नॉन फोटोब्लास्टिक है। और ये जो है बेस्ट, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो है रेड रीजन में, रेड रीजन में जो है, रेड रीजन इसके लिए क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है। रेड रीजन इफ़ेक्टिव होता है, मतलब बोल सकते हैं जो रेड वेवलेंथ होती है, रेड वेवलेंथ जो होती है वो बेस्ट होती है किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, वो भी कितनी, 662 नैनोमीटर। जर्मिनेशन के लिए बेस्ट होती है रेड वेवलेंथ, और 662 नैनोमीटर होनी चाहिए। और अगर 730 नैनोमीटर हो गई वेवलेंथ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो जर्मिनेशन है वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट्स मतलब जर्मिनेशन रुक जाएगा 730 नैनोमीटर्स अगर वेवलेंथ हो गई तो जर्मिनेशन रुक जाएगा। और रेड वेवलेंथ बेस्ट होती है, और 662 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है वो रेड वेवलेंथ बेस्ट होती है जर्मिनेशन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं अदर टाइप सीड में, उसमें है पहला ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड का क्या मतलब है, ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब है कि अगर सीड में जर्मिनेशन कैपेसिटी बनी रहती है, चाहे टेम्परेचर लो हो या मॉइस्चर लो हो, लंबे समय तक सीड जो है जर्मिनेट हो सकता है, उसके अंदर वायबिलिटी मेंटेन रहती है लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पर। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी, मतलब इसकी जो वायबिलिटी है वो मेंटेन रहती है एट लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। समझ में आया कि उसकी जो वायबिलिटी है, मतलब सीट की जर्मिनेशन कैपेसिटी है, वो लंबे समय तक लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पर मेंटेन रहेगी। उसकी जो वायबिलिटी है, उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी है, वो ख़त्म नहीं होती है, चाहे कितने भी लंबे समय तक उसको आप स्टोर करके रखो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पर। तो एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाता है, हमारी सीरियल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, इनको आप लो मॉइस्चर पे लंबे समय तक अगर रखोगे तो ये जर्मिनेट, उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाएंगे, इनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। दूसरा होता है रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट सीट, रिकैल्सिट्रेंट जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, वायबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इसकी वायबिलिटी है लॉस्ट एट लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, वायबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आप लो टेम्परेचर लो मॉइस्चर पे सीट को
लंबे समय तक रखते हो तो वो अपनी जर्मिनेशन क्षमता खो देता है, वो आगे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें मैंगो, कोकोनट या मोस्ट ऑफ दी क्या है इसमें फ्रूट क्रॉप्स आती हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये टाइप ऑफ सीड हमने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया, सीड और ग्रेन में डिफरेंस समझा, और बेसिक जो थी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो क्लियर किया। आगे हम पढ़ेंगे कि जो क्लासेस होती है सीड की, न्यूक्लियर सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन फर्दर जो है 3-4 लेक्चर में सीड टेक्नोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।